मैं हूँ अदिति अरोरा सावंत, ये है सास बहु और साजिश छोटे पर्दे का एक कार्यक्रम। दरअसल मैं हूँ एक टीवी जंकी, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सास बहू और साजिश में आज रिंग में रंगेंगे सितारे। क्या रिप्लेस हो जाएगी उतरन की इच्छा? एक्सेल कॉलेज में लाश ने मचाई सनसनी। और गेट वेल वेरी सून रजत। दरअसल मैं हुपला डांस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक रोबो हूँ तो मुझ में इतनी लचक नहीं है, लेकिन छोटे पर्दे के सितारों पर आजकल हुपला डांस करने का चस्का चढ़ा है, लेकिन क्या उनमें लचक है आप ही देखिए। जम किसने अच्छा मारा? शेर की तरह? मैंने ही मारा। और उसके पैसे किसने कमाए? फाइनली सम्राट और गुंजन शादी कर रहे हैं। अगर टेलीकास्ट में नहीं दिखा तो एसबीएस में जरूर दिखा। इतने सारे राउंड मारे हैं। ये दरअसल पता है क्या है, करवा चौथ आ रहा है ना, तो जो औरतें बहुत ज्यादा पति प्रता ताप होती है ना, उनके लिए वो छन्नी वो छोटी पड़ जाती होगी, तो चांद रूपी बड़ा सा ये छन्नी लिया है और ये पति को देखने के काम आता है। आओ मुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। देखिए बिना गिराए यूनिवर्स क्राउन ऑल्सो। थैंक यू जी, लव यू। एक्चुअली मैंने साड़ी पहनी है ना, मैं जीन्स टी शर्ट पहन के आऊंगी, उस पे होगा गोल गुंदे गुंदे सांसे। हाय डूबता है तो उसको इससे किसी को मारने के लिए अगर गुस्सा है ना तो निकाल के एक मार दो। सुने मोने मल्लो मल्ली कर गए टल्ले, लड़ गई हाँ लड़ गई, बिना तारू शारू दिन पीते ही चढ़ गए हाँ चढ़ गई। लूप जिसे बोलते वो अब मैं डांस करने की कोशिश करूंगी इसमें। लेट्स सी I guess probably the biggest stunt ever.
जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रेन का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है, तो कमर तो मैं हिलाने से रहा। मैं आपको एक नई चीज टेक्निक दिखाता हूँ, जो कि मेरे जाने के बाद आप उसको लॉ ऑफ ग्रेविटी या जो भी है वो देख सकते हैं। ट्राई करके देखते हैं कि ये लड़का कितना स्मार्ट होते हैं, ये लड़की कितना स्मार्ट होते हैं और कितना हमारे साथ कोप अप कर सकते हैं। ये गेम फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में और शायद मुझे लगता है मुझसे होगा भी नहीं, बट दिव्या ने शायद मुझे चैलेंज किया है तो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। नॉट बैड। टेलीविजन की सबसे बड़ी खबर जानना चाहते हैं तो देखिए ये रिपोर्ट। बदल रही है उत्तरन की इच्छा, बदल जाएगा उसका चेहरा, बदल जाएगी इच्छा की पहचान, क्योंकि अब शायद इच्छा की इच्छा नहीं रही कि वो इच्छा का किरदार निभाए। कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि सुना तो हमने यही है कि उत्तरन की इच्छा यानी कि टीना दत्ता अब इस किरदार को निभाना नहीं चाहती। और भाई सुना तो हमने ये भी है कि टीना ने प्रोडक्शन हाउस को 12 अक्टूबर तक का नोटिस भी दे दिया था। अब जब ये सुनी सुनाई बातें हमारे कानों में लगी तो उड़ती उड़ती खबरें ये भी आई कि नई इच्छा के ऑडिशन भी चल रहे हैं। और अगर नई इच्छा प्रोडक्शन हाउस को जल्द से जल्द मिल गई, तो शायद आप एक नई इच्छा को ही वीर के संग देखेंगे। फिलहाल सुना है कि टीना विदेश की यात्रा पर गई हैं और वापस आते ही वो शायद सीरियल से परदेसी हो जाए। सीरियल की पल पल बदलती दुनिया में कुछ भी होता रहता है और सेटलमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है। हो सकता है कि पुरानी इच्छा के साथ ही सेटलमेंट हो जाए और शायद इच्छा का चेहरा बदले भी नहीं। ऐसा ही हो तो ही अच्छा है, नहीं तो दर्शकों को एक बार फिर नई इच्छा को अपनाना पड़ेगा। शायद आप सबको पता नहीं कि इससे पहले भी इच्छा का रिप्लेसमेंट हो चुका है। इस बार फिर से ऐसा ना हो, इस दुआ के साथ हम तो यही कहेंगे जल्दी जल्दी वापस आओ इच्छा, उत्तरन आपका इंतजार कर रहा है। स्टार न्यूज रिपोर्ट। ढूंढो कोई तो ढूंढो, रजत टोकस भाग गए हैं, सीरियल में तो चिट्ठी लिखकर भागे हैं, लेकिन क्या वाकई में वो कहीं गायब तो नहीं हो गए? ढूंढो कोई तो उन्हें ढूंढो। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, दो चार दिन से लगता है जैसे। तेरे लिए के रोबिंदो कहाँ गायब हो गए हैं, सीरियल में नजर क्यों नहीं आ रहे? इस सवाल का जवाब अगर खुद रोबिंदो ही आपको दे तो कैसा रहेगा? थोड़ा बहुत हम भी आपको बता देते हैं। दरअसल रोबिंदो की तबीयत थोड़ी खराब है और वो पिछले 5 दिनों से ही घर पर आराम फरमा रहे हैं। जब भी 16th को 2 hour स्पेशल एक एपिसोड था, उसमें मेरा परफॉर्मेंस था, गाने का पूरा शूट हो गया था, लेकिन अंत में हल्का सा एक शॉट था कि मैं अपने जो मेरे साथ है मेरे को आर्टिस्ट मौली उनको थोड़ा सा गोद में ला रहा हूँ। कुछ एक्सीडेंट हुआ, अचानक मैं गिरने लगा, मेरी गोद में मौली थी, तो उनको बचाने के चक्कर में उनको बचाते बचाते मुझे मेरी कमर पर चोट लगी, क्योंकि अगर मैं उनको छोड़ देता तो एक पर्टिकुलर हाइट पे से वो गिरती और उनको काफी हद तक चोट लग जाती। सुना आपने, मौली को बचाने के चक्कर में रजत को घर में आराम फरमाने का बहाना मिल गया। सही भी है, बीमारी में अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन आप सबको एक बात जानकर हैरत होगी, वो अपने सेट को ज्यादा मिस नहीं कर रहे। ऐसा क्यों है रजत? पृथ्वी और धर्मवीर के दौरान मुझे काफी चोटें लगी हैं, उस समय काफी जिम्मेदारी थी कंधों पर, अभी ऐसा कुछ है नहीं मेरा, तो वो जिम्मेदारी नहीं है शो में, वो पद नहीं है,
तो शायद उसी कारण उसी वजह से मैं इतना मिस नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर उस समय चोट लगती है या उस समय ऐसा कुछ होता तो शायद मैं यू नो खड़ा हो जाता अब तक शूट कर रहा था। बट अब यहाँ पे मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। अपने घर लेटे लेटे टीवी देख रहे रजत सबसे ज्यादा पता है किसको मिस कर रहे हैं? अपने ढेर सारे फैंस को जो दिन रात उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। कोई ना कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, तो जो मेरी दुआएं करते हैं, जो चाहते हैं कि मैं इसी तरह हंसता खेलता रहूँ। चलिए रजत, हम तो यही दुआ करेंगे कि आपकी पीठ बहुत जल्दी से अच्छी हो जाए और जल्दी से जल्दी आप सीरियल के सेट पर वापस पहुंच जाएं, क्योंकि रोबिंदो का किरदार आपका इंतजार कर रहा है। और हाँ, सीरियल की कहानी भी, क्योंकि इन दिनों सीरियल में रोबिंदो को गायब जो दिखाया जा रहा है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है। स्टार न्यूज रिपोर्ट। गया है दो चार दिन से लगता है जैसे। फोन कीजिए, कोई तो पुलिस को बुलाइए। एक्सेल कॉलेज में मिली है एक लाश, किसकी है, क्यों है, कहां से आई, पता लगाना है। जल्दी कीजिए, पुलिस को बुलाइए। सास बहू और साजिश में आज होगा एक बड़ा खुलासा। सास बहू साजिश दिखा रहा है एक सनसनीखेज खबर, खबर ऐसी जो आपके होश उड़ा दे। एक्सेल कॉलेज के स्टोर रूम में मिली एक लाश, किसकी है ये लाश, कहां से आई ये लाश, क्या ये लाश किसी कलाकार की है या फिर सेट के किसी क्रू मेंबर की है। अगर जानना है इस लाश का राज तो बने रहिए हमारे साथ। कॉलेज में मिली इस अनोखी लाश को देखकर आप डरेंगे नहीं बल्कि आपकी हंसी छूट जाएगी। लगता है लाश देवानंद की काफी बड़ी फैन थी, तभी तो देवानंद की तरह रोमियो कैप लगाकर और चश्मा पहनकर स्टाइल दे रही है। लाश काफी फोटोजेनिक भी है, तभी तो हमारे खुफिया कैमरे पर जब इसकी नजर पड़ी तो हंसते हंसते काफी पोज भी देने लगी। लेकिन ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि मौका वारदात पर हमें मिले सम्राट मयंक, उदय और रोहन, ये चारों ही इस लाश से काफी परेशान नजर आ रहे थे। काफी ढीठ थी ये लाश। चारों मिलकर इस लाश को एक व्हीलचेयर पर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस लाश की गर्दन थी कि बार बार लुढ़के ही जा रही थी। और एक बार तो मयंक ने उसे नुपुर समझा और चुपके से जाकर उसे पीछे से जकड़ लिया, लेकिन बेचारे का सरप्राइज धरा का धरा रह गया जब उसे पता चला कि ये नुपुर नहीं बल्कि एक लाश है। लेकिन उदय, हमें ये तो बताइए कि ये लाश आखिर है किसकी। वो मेरे अंकल हैं जो US में पैदा हुए थे, फिर लंदन में मुझे मिले और फिर लंदन में बेचारे मर गए, तो मैं उनको लेके मुंबई आ गया हूँ। ओह उदय, आपके अंकल, हमें जानकर बहुत दुख हुआ। लेकिन मयंक, आप इस लाश से चिपके क्यों जा रहे थे? अब मुझे लगा वो नुपुर है तो मैं रोमांस तो करूंगा ही, और जब पता चला कि लाश है तो ऑब्वियसली डरूंगा ही। जैसे मैंने उसको छुआ और आईने में देखा कि वो कोई और है तो ऑब्वियसली डर गया। उसने सोचा नुपुर रोमांटिक है तो वो भी दुपट्टा लेके ओढ़ी हुई है, और मयंक उसको हाथ लगाया तो बोली आउच। क्या बात है, मान गए मयंक आपको, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि लाश मिली है तो तहकीकात भी होगी, और तहकीकात होगी तो किसी न किसी को जेल भी जाना पड़ सकता है, फिर कहीं आपकी रोमियो गिरी धरी की धरी ना रह जाए। मुंबई से आरती गुप्ता के साथ स्टार न्यूज रिपोर्ट। सीरियल तुझ संग प्रीत लगाई सजना के युग और वृंदा, जब से सीरियल खत्म हुआ है तब से एक साथ नहीं दिखे थे, लेकिन देखिए इन सास बहु साजिश वालों ने किस तरह इनको एक साथ पकड़कर इंटरव्यू लिया है, और कुणाल हो चुके हैं साइज जीरो।